जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने भी इन चुनावों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमर कस ली है। सपा ने इस बार बिना किसी गठबंधन के अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है और कई विधानसभा सीटों पर ताल ठोकी है। बदलते सियासी समीकरण और धारा 370 लगने के बाद जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी बिना किसी गठबंधन के अकेले ही जम्मू कश्मीर के कई विधानसभा सीटों पर चुनावी समर में ताल ठोक रही है। आगरा से समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य फारूक सियर को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर का सह प्रभारी भी नियुक्त किया है। फारूक सियर भी अपनी टीम के साथ पूरी ताकत से जम्मू कश्मीर चुनाव में सपा प्रत्याशियों जीतने के लिए जी जोड़ मेहनत कर रहे हैं। सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी फारूक सियर ने बताया कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने उन्हें पुलिस वाई प्लस सुरक्षा भी मुहैया कराई है। इसके साथ ही वह और समाजवादी पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। सपा नेताओं का कहना है कि वह सपा प्रत्याशियों के समर्थन में जहां जहां भी जा रहे हैं उन्हें भारी समर्थन भी जनता का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी ने 23 प्रत्याशी खड़े किए हैं। पहले फेज के अंदर समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है। दूसरे फेज के अंदर 5 प्रत्याशी हैं, जिसके अंदर 2 प्रत्याशी बडगाम जिले से हैं और 3 प्रत्याशी श्रीनगर जिले से हैं। दूसरे चरण का चुनाव के चुनाव में हमारे 18 प्रत्याशी हैं, इसमें 10 प्रत्याशी हमारे कश्मीर से हैं और 8 प्रत्याशी जम्मू से हैं। कश्मीर के अंदर 5 प्रत्याशी बारामूला जिले से हैं, 4 प्रत्याशी कुपवाड़ा जिले से हैं और 1 प्रत्याशी बांडीपुरा जिले से है। समय कम था, अखिलेश जी ने हमें 2 तारीख को बुलाया और हमसे ये कहा कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं, आप कश्मीर जाइए। उसी दिन उन्होंने हमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य बनाया। सपा नेताओं का मानना है कि समाजवादी पार्टी जम्मू कश्मीर में इस चुनाव में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने का काम करेगी। मून न्यूज के लिए विकास यादव की रिपोर्ट।